Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA, and Canada. Let's learn and earn from your home. ये चीज़ ज़रूर जाके चेक करनी है कि आपकी वेबसाइट जब बन गई, जब आपने लॉन्च कर दी, तो उसमें स्ट्रक्चर डाटा उसका हो गया। जैसे मेरे में उसने 5 आइटम्स दिखाई कि दैट कैन बी फिक्स्ड, एरर नहीं है, लेकिन अगर आपको और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो दैट कैन बी फिक्स्ड, तो उसको फिक्स करना है। अभी मेरे पास कोई एरर क्यों नहीं आया, उसकी रीज़न ये है कि मैं यूज़ कर रहा हूँ वर्डप्रेस, ठीक है। और वर्डप्रेस यूज़ करने की वजह से उसमें काफ़ी सारी कोडिंग उन लोगों ने स्ट्रक्चर डाटा के मुताबिक की हुई है। जब आप पीएचपी पे या किसी और स्क्रिप्ट पे साइट बनाएंगे, तब आपको स्ट्रक्चर डाटा टेस्ट करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा बार बार कि हाँ यार, अब यहाँ भी मसला है कोडिंग में, यहाँ भी मसला है। तो वर्डप्रेस में बहुत सारे डिवेलपर्स हैं ऑनलाइन, वो सारे इसको बनाते हैं। यहाँ पर जस्ट 1 और 2 में मुझे रिप्लाई कीजिए। अगर आपको वर्डप्रेस का पता है तो 1 लिखें, अगर नहीं पता तो 2 लिखें, ताकि मैं उसको थोड़ा सा बता सकूं क्या है। गुड है, आप सबको पता है ऑलरेडी, ठीक है। वर्डप्रेस इसलिए बेहतर है क्योंकि आप सबको पता है, ये तो पता है वर्डप्रेस है। सेकंड थिंग इसकी ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स जब एक चीज़ होती है तो उसमें बहुत बड़े बड़े डिवेलपर्स जो हैं वो अपना कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि उनको वर्डप्रेस मेंशन करे अपनी साइट पे। तो बड़े बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं जो कि इसको इम्प्रूव करते हैं और इसमें अपडेट्स आती रहती हैं, और वो सारी की सारी इम्प्रूवमेंट जो है वो आपके गूगल के एल्गोरिदम्स के मुताबिक होती है। वर्डप्रेस के अंदर एक तो उसमें सेक्शन होता है यूज़र फ्रेंडली का, ठीक है। यूज़र फ्रेंडली ये है कि आपको बड़ी आसानी से पोस्ट की ऑप्शन है, बड़ी आसानी से पेज एडिट कर सकते हैं, वेबसाइट का स्ट्रक्चर एडिट कर सकते हो, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो एडिट कर सकते हो। अगर आपको वर्डप्रेस अच्छे से सीखना है तो एक फ्री रिसोर्स है urdututs.com, शायद आप लोग ने उसमें सुना हो। ये मेरा बड़ा अच्छा फ्रेंड है मुदस्सिर नज़र, urdututs.com। इस साइट पे आप जाएं और इसमें वर्डप्रेस की जो लेटेस्ट ट्वीक्स हैं, जो लेटेस्ट उसमें मॉडिफिकेशंस और उसकी बेसिक्स वगैरह यहाँ से सीख सकते हैं फ्री के अंदर। काफ़ी सारे और कोर्सेज भी इस भाई ने दिए हुए हैं, लाइक वेब डिज़ाइनिंग। बल्कि आप ये देखिए, क्योंकि हम फाइवर की बात कर रहे हैं, इसमें फाइवर के भी ट्यूटोरियल्स हैं और अच्छे हैं, आप लोग यहाँ से भी देख लीजिएगा। मैंने आपको बताया तो था आप सर्विस क्या दे सकते हो, लेकिन अगर आपको गिग और इन चीज़ों का नहीं पता तो ये छोटी छोटी वीडियोज़ देख लें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे और फ्री में मिल जाएंगे, उर्दू में होंगे, ठीक है। हाउ टू मेक फाइवर गिग भी है, उसकी वीडियो वगैरह दी हुई है। अच्छा, हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं वर्डप्रेस के ऊपर आगे, वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन और उसकी आगे जो ऑप्टिमाइजेशन वगैरह है, कौन कौन से प्लगइन यूज़ करने हैं, क्या सीन है। आप में से कितने बंदों को वर्डप्रेस इंस्टॉल करना आता है कस्टम डोमेन पे, 1 बताइए। नहीं आता, सबा को नहीं आता, 4 बंदे हैं, बल्कि 5 बंदे हैं। 5 बंदों को नहीं आता? नहीं, 5 को नहीं आता। ओके, मुझे यहाँ पर अपनी स्क्रीन स्टॉप करनी पड़ेगी और मैं आपको, क्योंकि मैंने अपना वो लॉगिन पैनल खोलना है, मैं करके दिखा देता हूँ। अच्छा, होस्टिंग के लिए आप लोग पूछते हो कि कौन सी होस्टिंग अच्छी है, डोमेन होस्टिंग वगैरह, तो उसके लिए आस्क फॉर होस्ट है जो मैं रिकमेंड करूंगा। मतलब मैं उनका क्लाइंट हूं, मेरी काफ़ी सारी साइट्स उसके ऊपर रैंक हैं, तो वो मैं आपको उसका लिंक भी दे दूंगा सबको। बल्कि मैं उनसे भी बात करता हूँ अगर वो आपके लिए कोई डील निकाल सकें इन स्टूडेंट्स के लिए, कि वो डोमेन होस्टिंग जो है डिस्काउंट में बाय कर लें। तो अच्छी बात है। ये इनका क्या है वैसे, नॉर्मल पैकेज होता है इसका? नॉर्मल मेरे ख्याल से 3000 ईयरली है, जिसमें डोमेन और होस्टिंग है। अच्छा, .com पे डोमेन? जी .com।
और उनके सर्वर्स अच्छे हैं ना, सर्वर सारे फ्राइडे और बुफलो वगैरह, फ्राइडे सर्वर और बुफलो है उनके पास। फ्राइडे और ये बफलो शायद आपको पता हो, ये यूएस के अंदर लोकेशंस हैं। अच्छा, ये सर्वर्स हैं और ये अच्छे सर्वर्स हैं, मतलब लोकेशन नेम है दैट इज। बिल्कुल, ये न्यूयॉर्क के अंदर जो सेकंड वन जी जी बिल्कुल 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 एग्जैक्टली। मैंने यहाँ बहुत काम किया होगा इसी सीरीज में, बहुत ज्यादा। हाँ बिल्कुल, आपने आप जानते होंगे जिसने वो क्रेगलिस्ट वगैरह की है। इस वक्त मुझे अगर आप फ्राइडे यूएसए भी देखेंगे तो फ्राइडे भी आपको लोकेशन मिल जाएगी। एग्जैक्टली, एंड जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने ऑलमोस्ट 118 अमेरिका के सिटीज में काम किया हुआ, इंक्लूडिंग सब सिटीज, उनके पोस्टल कोड भी सबमिट किया हुआ। बिल्कुल, वो ये क्रेगलिस्ट वाले ऐसे ही हैं, वो उनको अमेरिकन से ज्यादा सिटीज के नाम आते होते हैं। ये चीज है। अच्छा जी, लॉग इन टू सी पैनल, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये सीन हो गया जी, ये हो गया बंद। मैं रीशेयर करता हूँ। शेयर हो रही है स्क्रीन? जी शेयर हो रही है, विजिबल प्रॉपर। ओके फाइन, सेंड लिंक वर्डप्रेस का। आयशा मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कि आपने इंस्टॉल कैसे करना है, आपको कोई लिंक शिंक नहीं चाहिए। बहुत सारे मेथड्स हैं लोग इंस्टॉल करते हैं, लेकिन इजीएस्ट वन मैं आपको बता रहा हूँ, वो मतलब सी पैनल से उसी टाइम हो जाएगा। जब आप डोमेन होस्टिंग खरीदोगे तो आपको इस तरह सी पैनल की एक्सेस मिलेगी, ठीक है? आपका डोमेन नेम उसके साथ स्लैश आगे सी पैनल लिखा होगा, तो आप इस तरह यहाँ पर एंटर हो जाओगे। फर्ज करो मैं इस वक्त इस डोमेन में हूँ, इस पे स्लैश सी, ये सीन है, ठीक है? आपकी जो भी डोमेन होगी आपने आगे सी पैनल लिखना है। आप एंटर करेंगे, यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, जब उसको एंटर करेंगे तो इस तरह आपके सामने ये चीज आ जाएगी सी पैनल। इसमें डिफरेंट सर्विसेज हैं बैकएंड पे कि आपकी वेबसाइट के रिलेटेड ही। आपने इसमें नीचे आना है और इसमें यहाँ पर सॉफ्ट क्लॉज होगा, यहाँ पर ये देखिए, ये सॉफ्ट क्लॉज जो है ये ऐप इंस्टॉलर है, यहाँ पर वर्डप्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है? आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। वर्डप्रेस पे क्लिक करें, आगे नई विंडो आएगी, ठीक है? और यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड भी है, ठीक है? क्योंकि imansoo.com पे वर्डप्रेस ही है, लेकिन मैं दोबारा इंस्टॉल करता हूँ, इंस्टॉल नाउ, ठीक है? मैं यहाँ पर ये डायरेक्टरी बता रहा है, ठीक है? मसलन आपने कहाँ पर करना है, http://mydomain.com, अगर डायरेक्टली लिखनी है, अगर आपने http://mydomain.com पे करना है तो कहते हैं इसको एम्प्टी छोड़ दें, इस हिस्से को खाली कर दें। अगर मैंने imansoo.com पे करना है तो मैं इस हिस्से को खाली छोड़ दूं। अगर मैंने किसी डायरेक्टरी में करना है तो मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ। फर्ज करो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लर्निंग विद अर्निंग है हमारा, LWE लिख देता हूँ। और यहाँ पर डोमेन मेरी कौन सी है, imansoo.com, और HTTP ही रहने देता हूँ। आपने HTTP के साथ www भी लगाना है, ठीक है? वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हुए ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा कि आप इसके ऊपर नहीं करेंगे, विद www करेंगे, विद www, HTTP, www. पहले सेक्शन में, दूसरे सेक्शन में आपकी डोमेन आएगी, तीसरे सेक्शन को आपने खाली छोड़ना है, क्योंकि मैं अपने इंस्टॉल्ड के ऊपर री इंस्टॉल नहीं कर सकता, इसलिए मैं किसी डायरेक्टरी में करके आपको दिखा रहा हूँ कि वो कैसे होगा। उसके नीचे आना है, आपने यहाँ पर जो भी अपनी साइट का टाइटल है वो देना है, ठीक है? माई टाइटल, ठीक है? और नीचे माई ब्लॉग, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आएगी इसकी, जो भी आपकी साइट की होगी। यहाँ पर आपने अपना लॉगिन देना है, एडमिन यूजर नेम। आपने देखा होगा जब वर्डप्रेस के ऊपर कोई बंदा पोस्ट लिखता है तो उसका आगे यूजर नेम शो होता है, ये बड़ा क्रूशल स्टेप है उसके, आपको बताता है कि बाय एडमिन ये लिखा होता है, या बाय ऑथर नेम आ रहा होता है कि ये ऑथर नेम है, कि ये जॉन फिलिप ने लिखी है, ठीक है, या जेसिका ने लिखी है, या ये इंजीनियर मंसूर ने लिखी है, वो चीज बता रहा होता है, ठीक है? जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हो, बल्कि करके दिखाता हूँ, समझ नहीं आएगा। imansoo.com खोलता हूँ, ठीक है? और इसमें मैं ब्लॉग में जाता हूँ, ब्लॉग में देखिए रिटन बाय
इंजीनियर इनामुल हक मंसूर, ये शो हो रहा है, ये आप कोई भी चीज शो करवा सकते हैं यहाँ पर। ये बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद ये चीज चेंज हो जाएगी, लेकिन जब आप इस पर क्लिक करेंगे कि मुझे इसी ऑथर के और ब्लॉग एंट्रीज देखनी है, तो यहाँ पर एक यूजर नेम आ रहा है ऑथर का, ये दोबारा चेंज नहीं होता। ठीक है, ये आपने शुरू में अच्छा सा नेम यूजर नेम रखना है, ताकि कोई बंदा अगर आपके ऑथर नेम पे क्लिक करे तो यहाँ एडमिन ना लिखा है। यहाँ पर आपका कोई यूजर नेम या कोई निक नेम या कोई जो भी आपका कीवर्ड है, लाइक बैड बग्स के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, तो यहाँ पर बग्स एक्सपर्ट आ जाए। ठीक है, यूजर नेम या कोई इस तरह का नाम हो जो कि रिलेटेड टू योर साइट हो, एडमिन ना हो। एडमिन हर बंदा ये है, हर बंदा वैसे ही यूज करता है, तो ये चीज यहाँ से आपने जब लिख देनी है तो ये दोबारा चेंज नहीं होनी। ठीक है, जो नाम विजिबल है वो चेंज हो सकता है सेटिंग में जाके, उसका कोई इशू नहीं। ठीक है जी, ये क्लियर है? उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज, कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रहे, तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पर भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह।